पर जोधपुर के जिला कलेक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कल से राहत महंगाई राहत कैंप की शुरुआत राजस्थान सरकार करने जा रही है और उसी को लेकर वो पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से इस लिफाफे में करके दे देंगे। इनिशियल अब मैं आपको इन्फॉर्मली दे रहा हूँ, इनिशियल हो सकता है कि थोड़े कार्ड में, क्योंकि हमारा पहला कैंप रहेगा तो कार्ड के वितरण में या ये जो इसमें अगर थोड़ी बहुत है, हमने हालांकि प्रिंटिंग के लिए दे दिया है, पर थोड़ी बहुत अगर व्यवस्था को सेटअप करने में थोड़ा समय लगा उसमें आप हमें सहयोग। परिवार का कौन सा सदस्य है सर, या परिवार का मुखिया ही चाहिएगा या कोई भी आ सकता है? कोई भी व्यस्क परिवार का सदस्य, जो जैसे अगर मैं जन आधार की बात करूं तो जन आधार में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में मेरी वाइफ जो है मुखिया है और मैं हूं और मेरे दो बच्चे जो है मेरे नाबालिग है, तो मैं या मेरी वाइफ दोनों में से कोई भी व्यक्ति आके पंजीयन करा सकता है। सर क्या नहीं, वो तो देखो हम आपसे के नंबर मांग रहे हैं, हमने तो आपसे पूछा ही, हमने आपसे के नंबर पूछा। अब वो जन आधार से लिंक होके कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल करके बताऊंगा। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए क्या कोई हेल्पलाइन, कोई कंट्रोल रूम, कोई प्रशासनिक अधिकारी की टीम, कितना किस तरीके से इसको आप सेटल करेंगे, मैनेज करेंगे? देखिए हर कैंप में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग उपखंड अधिकारी स्तर के, पर क्योंकि हमारे ब्लॉक्स तो जो थे वो 25 हैं और 21 हैं और उपखंड हमारे 15 हैं, तो जो अन्य ब्लॉक्स थे जहाँ पे हम उपखंड अधिकारी नहीं लगा पाए वहाँ पे हमने अन्य आरएस अधिकारियों को लगाया। फॉर एग्जांपल हमारे एक मधुलिका जी सीवर हैं, वो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हैं, उनको हमने दिया है। डीएसओ डीडीआईसीडीएस है, डीएसओ का चार्ज भी उनके पास, प्रियंका जी बिश्नोई, उनको हमने एक ब्लॉक का चार्ज दिया। इस प्रकार से हमने हर ग्रामीण कैंप में एक एक आरएस अधिकारी को प्रतिनियुक्त करा है प्रभारी के रूप में। शहर में हमारे दो वार्ड, दो नगर निगम है, साउथ में अरुण जी हमारे जो कमिश्नर नगर निगम साउथ हैं वो प्रभारी हैं, और नॉर्थ में बजरंग जी, क्योंकि अतुल जी अभी छुट्टी पे प्रोसीड करें तो बजरंग जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं वो हमारे इंचार्ज हैं, और जो नगर पालिकाएँ दूसरी हैं उसमें संबंधित ईओ जो है वो हमारे प्रभारी हैं। सर हेल्प डेस्क भी होगी वहाँ, क्योंकि कई लोग अनपढ़ भी हैं तो उनके लिए मदद के लिए? बिल्कुल, हेल्प डेस्क भी रहेगी, इसके अलावा हमने कूपन सिस्टम भी रखा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैंप जैसे चालू करा 10 बजे, 10 से 6 का कैंप है, 10:30 बजे कल वो रिबन कटिंग होगा, स्टेट लेवल जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो मेघ उद्यान में होगा, तो मान लीजिए अगर पहले ही बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए और कंप्यूटर जितने हैं उसमें क्यू भी लगा के भी काफ़ी लोग आ गए, तो हमने छाया की व्यवस्था रखी है कि आप कृपया करके बैठ जाएं, उनको हम कूपन दे देंगे कि कूपन लेके आ बैठे हैं, और कूपन सहित जिस समय जिसका नंबर आएगा वो आके अपना मंजिल। सर प्रशासन की तरफ से विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करी गई है या फिर क्या रहेगी उनके लिए? देखिए विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति अगर आएंगे ले जाने के लिए, नहीं अभी तो देखिए हमारा कैंप शुरू हुआ और अगर हमें ऐसे कोई लगता है कि किसी परिवार में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अलावा, पहले जैसे मैंने आपको पहले भी निवेदन करा, अगर एक परिवार में दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ पा रहे तो उस परिवार में कोई भी बालिक जो सदस्य हैं वो आके अपना पंजीयन करा सकते हैं पहली बार, तो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस तो उसमें हो जाएंगे, फिर भी अगर हमारे पास कोई सूचना आएगी तो हम उसकी व्यवस्था करा सकते हैं।